नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका हमारी किचन में। कैसे हैं आप सब? आज आपको मैं सिखाने वाली हूँ इस वीडियो में कि घर पर आप कैसे हलवाई जैसा घेवर बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप पहली बार किचन में जा रहे हैं तो भी आपको कभी भी नर्वसनेस फील नहीं होगी, क्योंकि इसमें ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं और तरीका बहुत ही आसान है। तो इजिली आप मेरे इस मेथड को फॉलो करके आप भी घर पर इतनी टेस्टी मिठाई बना सकते हैं। तो कोई भी त्यौहार हो, आपकी नई नई शादी हुई हो, आपको किसी को इम्प्रेस करना हो अपने इन लॉज को, तो इजिली आप ये मिठाई खिलाइए और अपने रिश्तों में भी मिठास बढ़ाइए। तो चलिए देरी किस बात की, फटाफट से जान लेते हैं इस घेवर को बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत है और बनाने का सही तरीका। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो करना है लाइक और शेयर, क्योंकि बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, इसलिए तो लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खूब सारा प्यार देते रहें। चलते हैं किचन में। इसको बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है, हमें लेना है 2 कप मैदा, 2 चम्मच देसी घी, 1 गिलास दूध, 1 बाउल भरकर आइस क्यूब्स। हमें क्या करना है, 1 बाउल लेना है, उसमें 2 चम्मच घी ऐड करना है और उसमें साथ में आइस क्यूब्स ऐड करनी है और उनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बचे हुए आइस क्यूब को बाहर निकाल लीजिए और इस तरीके से आप अच्छे से हाथों से मिक्स कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे कैसे क्रीम बनती जा रही है, और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया क्रीम बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा मैदा और दूध डालेंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसमें 1 गिलास पानी भी ऐड कर लीजिए, और आपको इतना ही पतला पेस्ट रखना है, चाहे तो आपको इसमें और पानी डालना पड़े। उसके बाद आपको एक कढ़ाई लेनी है, उसमें डाल देना है देसी घी। यहाँ पे मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था हम सीखने वाले हैं देसी घी में घेवर। तो यहाँ पे मैंने देसी घी ले लिया है और इस पेस्ट को इस तरीके से डालते जाइए। सेम आपको बार बार इसी तरीके से चम्मच से इस कढ़ाई में इस पेस्ट को ऐसे ही डालना है, बीच में स्पेस बनता रहेगा और आसपास उसकी लेयर बननी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घेवर बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घेवर की प्रॉपर लेयर बन गई है। अब इसको दोनों स्लाइसेस को हम ट्रे में निकाल लेंगे और ऊपर से जो चाशनी थी वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 लेयर के ऊपर चाशनी ऐड करके दूसरी उसकी लेयर रख दी है और उसके ऊपर भी चाशनी ऐड कर दी है। अब जो हमने स्टार्टिंग में क्रीम बनाई थी उसमें हम अपना ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। इसमें मैंने लिया है बादाम, पिस्ता, काजू, इन सबको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और उस क्रीम में मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद आप उसकी लेयर इस तरीके से इसके ऊपर ऐड कर लीजिए, और गार्निश करने के लिए आप इसमें ऊपर से पिस्ता और मगज डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो ठीक है और नहीं डालना चाहे तो भी चलेगा। और यहाँ पर हमारा देसी घी का घेवर बनकर तैयार है और बहुत ही टेस्टी है। तो मैं तो चली इसको खाने के लिए। आप में से किसने ट्राई करा और आपको इसका टेस्ट कैसा लगा वो कमेंट में जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आ जाए तो आपको पता ही है कि 3 स्टेप फॉलो करने हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो ऐसे ही खूब सारा प्यार देते रहो, और नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हो मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो भी जरूर कमेंट करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाई।